हेलो एंड वेलकम टू आईएनडी लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी और सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी विल लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का 3rd चैप्टर है और अगर आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उनकी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको स्टॉक्स एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, स्टॉक प्राइसेस एंड रिटर्न्स और उनके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। तो लेट्स डाइव इनटू द 3rd चैप्टर, स्टॉक प्राइस एंड रिटर्न्स। किसी इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न्स और प्राइस को डिस्कस करने से पहले इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है क्या। सो व्हाट आर स्टॉक्स? किसी कंपनी के स्टॉक खरीदने से आपको उस कंपनी में ओनरशिप मिल जाती है और स्टॉक ओनर्स को शेयर होल्डर्स बोला जाता है। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट मोर टू नो अबाउट स्टॉक्स एंड वी हैव कवर्ड इट ऑल इन आवर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक्स ऑफ दिस कोर्स इटसेल्फ बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स। आप उस वीडियो को देख सकते हैं थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टॉक प्राइसेस और रिटर्न्स के बारे में। अब स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां कंपनीज पैसा रेज करती हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स और जहां हम एज इंडिविजुअल्स उन कंपनीज की ग्रोथ का पार्ट बनते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स ऑफ दीज कंपनीज। लेकिन क्या हमेशा स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ते ही हैं? नॉट रियली। स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइसेस हर सेकंड बदलते हैं। स्टॉक का प्राइस सप्लाई डिमांड के इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होता है। जब किसी स्टॉक की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा होती है तो उस शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है और डिमांड एंड सप्लाई के बीच का गैप जितना ज़्यादा होता है उतना ही हाई शेयर प्राइस हो जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक स्टॉक, मान लीजिए स्टॉक एक्स को खरीद रहे हैं, तो स्टॉक एक्स के शेयर की वैल्यू बढ़ती है और वहीं दूसरी ओर अगर लोग उसको बेचने लग जाते हैं तो उसकी वैल्यू गिरने लगती है। और स्टॉक प्राइस का राइज होना या गिरना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू ऑफ देम। नंबर 1, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। लोग उन कंपनीज में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं जो अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं और जिनके लिए इन्वेस्टर्स ज़्यादा डिमांड करते हैं, जिससे उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज को हर क्वार्टर और हर साल अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट में प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। इस रिपोर्ट के थ्रू यू कैन ईजिली सी अगर कंपनी की अर्निंग्स प्रोजेक्शन से ज़्यादा है या कम। इफ अ कंपनी शोज गुड ग्रोथ पर शेयर तो उस शेयर की डिमांड ज़रूर बढ़ती है। लेकिन अगर कंपनी के अर्निंग्स कभी प्रोजेक्शन से कम होती हैं तो उसके शेयर्स की वैल्यू भी कम हो सकती है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन से कम रही। नंबर 2, मार्केट सेंटिमेंट। अगर कोई कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट लेती है, वो किसी और कंपनी को अक्वायर करती है या किसी नए मार्केट में एंटर करती है, तो बेसिकली जब भी कोई कंपनी एक्सपैंड कर रही होती है तो एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है। और अगर एक्सपेंशन सक्सेसफुल रहता है तो इससे उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी मानी जाती है और उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे ही अगर किसी कंपनी को अपने शेयर्स के कुछ हिस्से को बेचना पड़े या एम्प्लॉयज को निकालना हो या फिर कुछ ब्रांचेस को बंद करना हो, तो इससे उसकी अर्निंग्स में फाइनेंशियल स्ट्रगल विजिबल हो जाता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स बेचने लगते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि उसके शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा फॉल ना कर जाए या वो कंपनी ही ना बंद हो जाए।
तो इन्वेस्टर्स फियरफुल हो जाते हैं क्योंकि उनका पैसा इस कंपनी में लगा होता है. एंड नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल कंपनी, कभी कभी इंडस्ट्री में आए चेंजेस ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट सेंटिमेंट, दस अफेक्टिंग द स्टॉक प्राइसेस. जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में इन्वेस्टर्स को पूरा कॉन्फिडेंस है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के स्टॉक्स का रेट भी एकदम हाई हो सकता है. और तो और इंडस्ट्री को असिस्ट करने वाली और सभी कंपनीज की डिमांड भी बढ़ सकती है तो बाकी सारी कंपनीज के स्टॉक्स का रेट भी बढ़ जाता है एज एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. मार्केट सेंटिमेंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज या कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इवेंट्स जैसे एनुअल बजट. थर्ड आता है ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन. लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग वॉट अंडर वैल्यूड शेयर्स आर. अंडर वैल्यूड शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनका मार्केट प्राइस उनकी एक्चुअल वैल्यू से कम है. इसका मतलब ये नहीं होता कि ये शेयर्स खराब हैं, नॉट एट ऑल. अगर कोई कंपनी के शेयर्स का प्राइस अंडर वैल्यूड है तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है. एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स इन मोमेंट्स ऑफ अंडर वैल्यूएशन को ढूंढते हैं और ऐसे शेयर्स को बाय करते हैं क्योंकि वो रिसर्च करके एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल या ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छी होगी जिससे फ्यूचर में शेयर की डिमांड बढ़े और शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो जाए. वाइल ऑन द अदर हैंड वी हैव ओवर वैल्यूएशन. जब कोई कंपनी का शेयर प्राइस अपने एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू पर ट्रेड हो रहा होता है तो उसे ओवर वैल्यूएशन कहते हैं. इसका रीज़न हो सकता है इमोशनल ट्रेडिंग या फिर गट ड्रिवन डिसीजन मेकिंग जिसमें हम लोगों को कोई लॉजिक नहीं दिखता और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाती है. अब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है. सो लेट्स सी कि हम कैसे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स. तो हम सबसे पहले बात करते हैं रजत के पेटीएम शेयर्स की. रजत ने आईपीओ में पेटीएम के 100 शेयर्स खरीदे थे ₹2150 पर शेयर के प्राइस पर. फिर उन्होंने 21 नवंबर को इन सभी शेयर्स को ₹532 पर शेयर के प्राइस पर बेच दिया. अब आप सोच रहे होंगे कि रजत ने इस इन्वेस्टमेंट से कितना लॉस फेस किया होगा. सो द फॉर्मूला हियर इज सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय द ओल्ड परचेज प्राइस एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि हमें एक परसेंटेज निकालना है. तो रजत का टोटल लॉस हुआ 532 डिवाइडेड बाय 2150 इंटू 100 अप्रॉक्सीमेटली 75%. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रिटर्न्स. It will either be a profit or a loss. It all depends on your research, strategy, market situation, and the stock you have chosen. Let's take another example where your stock returns can get you earnings. मान लीजिए गौरव के पास Page Industries के shares हैं और Page Industries ने ₹70 dividend पर share declare किया है. तो अगर गौरव के पास 10 shares हैं तो उन्हें 70 × 10 विच इज इक्वल टू 700 डिविडेंड मिला होगा. हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस? डिक्लेयर डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू द टोटल डिविडेंड. एंड दिस इज इट. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट स्टॉक रिटर्न्स. हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी. आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IMD मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स की सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं. इसके लिए आपको IMD मनी ऐप डाउनलोड करना है और IMD लर्न पर जाकर बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स कोर्स का सिंपल क्वेश्चंस को आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है. सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ LinkedIn पर भी शेयर कर सकते हैं. IMD लर्न रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IMD मनी ऐप पर फ्री कोर्सेस प्रोवाइड करता है. एंड यू कैन कंप्लीट मोर ऑफ सच फ्री फाइनेंशियल कोर्सेस बाय सिंपली डाउनलोडिंग द ऐप. इफ यू वांट टू लर्न मोर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.
and stay tuned for the next chapter where we will learn how to analyze stocks. So, see you in the next one.